केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भागलपुर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए भव्य स्वागत के बीच जनसंख्या विस्फोट और डेमोग्राफिक बदलाव पर चिंता व्यक्त की है। सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बदलाव से देश को गंभीर नुकसान हो सकता है। उन्होंने यात्रा की आवश्यकता को आगामी चुनाव के संदर्भ में भी जोड़ा और बताया कि यह यात्रा विभिन्न राज्यों में जारी रहेगा। वहीं भागलपुर से शुरुआत करने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि भागलपुर दंगों का घाव अभी तक भरा नहीं है। दीपांकर जी के मैं इतना ही कहूंगा, मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव ने, मुझे सूत्रों से पता चला है, या तो अपनी यात्रा रद्द किया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा से डर करके या समर्थन देने के लिए। ये भी तेजस्वी जी को अगर समर्थन देने के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यात्रा आरजेडी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, कम्युनिस्ट के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, जदयू के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, भारतीय जनता पार्टी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है। ये यात्रा भारत में और बिहार में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और उसमें जो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, मैं 1951 में भागलपुर को देखूं या कटिहार को देखूं या पूर्णिया को, किशनगंज को देखूं, तो हमारी बहनों का, हमारे भाइयों की आबादी गिरती जा रही है। आखिर क्यों? देश में लगभग 400 जिले में के 1600 स्थान पे उनकी आबादी बढ़ गई है। हमारी आबादी कम हो गई है, ये भी अपने लोगों को बताने के लिए। जो लोग पूछ रहे हैं मुझसे केंद्रीय मंत्री होकर के इन्हें नहीं निकालना चाहिए, मैं आपके माध्यम से उनको कह रहा हूं कि अगर विपक्ष के नेता होकर के तेजस्वी यादव मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं तो मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्यों नहीं निकल सकता। हम आज भी देश के अंदर, मैं मुसलमान भाइयों से भी पूछना चाहता हूं कि आजादी के, देश के बंटवारे के बाद कभी आपके तजिया पर किसी गांव से लेके शहर तक हमने पत्थर नहीं मारा। ये 15 साल से जब से आपकी आबादी बढ़ रही है तो कभी दुर्गा के मूर्ति के विसर्जन में, तो कभी रामनवमी में, चाहे भागलपुर हो या सीतामढ़ी हो, चाहे कैराना हो, चाहे बिहार शरीफ में पिछले साल हुए दंगों को, हमने कभी दंगा नहीं किया। आप छतों पर पत्थर इकट्ठा करते हो हमें मारने के लिए, आप तलवार चलाते हो, आप गोली चलाते हो, अब हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, हमें किसी के दबाव की चिंता नहीं है। हमारे पास, मैं 2002 से मैं ये घुटन महसूस कर रहा हूं, और उस समय से करते 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 पाकिस्तान को देखा। हमारी बेटी
शादी के मंडपों से उठती हुई, हमने बांग्लादेश को देखा, हमारे मंदिरों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को अर्धनग्न व्यवस्था में भी उनके साथ दुर्व्यवहार के वीडियो चालू करते हुए, अब ये अब नहीं तो कभी। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत साहबगंज में अपनी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर विवाद हो गया, जो मारपीट तक पहुंच गया। साहबगंज निवासी विभास यादव ने अपने घर में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा लगाया, जिसका पड़ोसी कृष्ण मोहन आजाद, राजकुमार भारती, विक्की कुमार और छोटू यादव ने विरोध किया। इसके बावजूद विभास यादव द्वारा कैमरा लगाए जाने पर पड़ोसियों ने उनके और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। विभास यादव का आरोप है कि अगले दिन देर शाम ये पड़ोसी और 10 अन्य अज्ञात लोग उनके घर में घुसे और जान से मारने की धमकी दी और कुछ सामान भी ले गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। विभास यादव का कहना है कि पड़ोसियों ने कैमरे का विरोध इसलिए किया क्योंकि वे अवैध हथियार और गांजा तस्करी में लिप्त हैं। हालांकि विश्वविद्यालय थाना इस मामले में कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती कर रही है। सीसीटीवी कैमरा अपने घर का सेफ्टी के लिए लगाए थे। कृष्ण मोहन आजाद जो है हमको बोला कि ये कैमरा तुम खोलो, हमको दिक्कत हो रहा है। तो हम ले भाई ये कैमरा हम अपने घर का सेफ्टी के लिए लगाए हुए हैं। और जब सुबह हुआ हम बाहर में टहल रहे थे तो राजकुमार भारती उधर से आया, हमसे तो तू में किया। जब उसका भाई लोग गली घर से दौड़ा, उसका परिवार सब लेडीज सब दौड़ गया, मेरी पत्नी थी उसको गिरा के खूब मारा है और मेरे गला में गमछी लगा के दो आदमी खींच रहा है गिरा करके फांसी टाइप का, और ऊपर से 10 आदमी हमको मार रहा है। थाना में आवेदन दिए, वो भी पहले वही गया, पीछे से हम समाज बोला कि वो गया थाना, आप भी जाइए। तो हम भी गए, दोनों का आवेदन लिया। उसके बाद जो है क्या करवाई कुछ नहीं किया। जब हम कल दूसरे दिन जब हम गए तो हमको बोला वहाँ का मुंशी था या प्रशासन था, वो बोला कि उसका हो गया है दो इंजरी रिपोर्ट, उसका केस तुम्हारे ऊपर हो गया है, हम तुम्हारा नहीं लेंगे। फिर बोला कल कैमरा लगाने का विवाद क्या है, कैमरा लगाने के बाद ऐसे 6 महीना पहले इसको हम हथियार बेचते देखे थे, ये बात हम जान रहे थे। ये गलत आदमी सबको गली में लाता है रात बिहार, जब भी लाता है 11 बजे के बाद लाता है, 12 बजे के बाद आता है, वो घर भी आता है। उसको हम समझाए थे कि इस रास्ते से तुम इस सब आदमी को, गलत आदमी को नहीं लाओ। कितने दिन से क्या चीज़ का धंधा? ये 4-5 साल से वो ये धंधा कर रहा है। क्या क्या चीज़ का धंधा? धंधा पहले गांजा लेके बेचता था, अभी भी गांजा बेचता है, पैकेट में लेके घूमता है गांव में, वो गांजा किसी को नहीं देता है। ये गांजा महनपुर से मुर्गिया चौक, चंपा नगर, ये सब जगह वो बेचता है, वो खुद पीता भी है। और क्या करता? और उस सामान का तस्करी करता है मियां लोग के साथ। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना और जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका कराटे प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 18 अक्टूबर तक खेल भवन सब व्यायाम शाला में हो रहा है। वहीं गुरुवार को हुए प्रतियोगिता में विभिन्न भार वर्गों के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें अंडर 70 वर्ग में 32 किलो भार वर्ग में आशी कुमारी ने प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि आयाही द्वितीय और निवेदिता राजपूत व तनिषा कुमारी तृतीय स्थान पर रही, जबकि अन्य भार वर्गों में वैष्णवी सिंह, दीपिका सिंह, पूजा कुमारी, अनुष्का कुमारी ने अपने अपने वर्गों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अंडर 90 में नेहा राज ने 32 किलो भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं इस आयोजन में जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार, कराटे संघ के सचिव मनीष कुमार शर्मा और कोच रोहित खेतान सहित कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रही। प्रतियोगिता के सफल संचालन में रोहित खेतान, मीनाल किशोर और अन्य अधिकारी की भूमिका सराहनीय रही।